यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मुशाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला उसका क्या होगा? बाबू मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना के इन्हीं डायलॉग से इंस्पायर होके हम निकल पड़ते हैं हमारे डर का सामना करने। सो वेलकम टू डे 4th ऑफ अंडमान और अभी टाइम हो रहा है 6 और हम जा रहे हैं सनराइज देखने। वैसे हमारा 6:30 का स्लॉट दिया हुआ है डीप डाइव का, अभी तक टाइम हुआ नहीं है तो हाफ एन आवर बचा हुआ है, तो हम लोग जाके सनराइज देख के आ जाते हैं। अगर आप मेरे पीछे मेरा व्यू देखोगे तो ये हमारे रिजॉर्ट का व्यू है जिसका एक प्राइवेट बीच भी है। अंडमान में आप बहुत तरीके के वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग येट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है यहाँ का स्कूबा डाइविंग। हमने स्कूबा डाइविंग के लिए हैवलॉक को चुना क्योंकि यहाँ के रीफ्स इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हैवलॉक में दो तरीके के स्कूबा डाइविंग होते हैं, एक है शोर डाइविंग जहां आपको शोर से ग्रेजुअली डिसेंड किया जाएगा अप टू ए सर्टेन डेप्थ, और दूसरा है डीप डाइव जहां आपको बोट के थ्रू डाइविंग लोकेशन पर लेकर जाया जाएगा और वहां से आप डाइव करोगे अप टू ए डेप्थ ऑफ 12 मीटर्स। हमने डीप डाइव करने का फैसला किया क्योंकि डीप डाइव वाज मोर फन। तो फिर क्या, हम पहुंच जाते हैं अपने डाइविंग सेंटर पर जहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज और एक छोटा सा ब्रीफिंग वीडियो देखकर हम अपने पावर के हिसाब से डाइविंग मास्क चूज कर लेते हैं। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं स्कूबा डाइविंग के लिए और लिवर की हालत देख सकते हो अपनी, लिवर की बहुत ज़्यादा। क्या नर्वसनेस है? वैसे तो हैवलॉक में मोस्ट ऑफ द स्कूबा डाइवर्स पैडी सर्टिफाइड ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको लोकल डाइवर्स भी मिल जाएंगे जो आपको कम रेट्स में स्कूबा डाइविंग ऑफर करेंगे। बट हमारा सजेशन पैडी सर्टिफाइड डाइवर के साथ ही जाना रहेगा, बिकॉज दे नो द आर्ट ऑफ डाइविंग। और पानी के नीचे की दुनिया में आपको आर्ट के साथ स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। सो दीज आर द फ्यू साइंस एंड लैंग्वेजेस जिसे आपको याद रखना है। अंडर वाटर बात करना जरा मुश्किल है फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो ये साइंस बहुत जरूरी है। अप डाउन ओके नॉट ओके। शैलो वाटर में ट्रेनिंग करने के बाद आपको बोट से डाइविंग लोकेशन पर लेके जाया जाएगा। जब बोट चल रहा है आप खड़े मत होना, आप सीट पे बैठ रहे ना, सीट जो भी हो सकता है, और लाइफ जैकेट निकाल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हो। खैर 10 मिनट के बाद हम पहुंच जाते हैं हमारे डाइविंग लोकेशन पर जिसका नाम है ओवल रीफ। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही है कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कन, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां और मैं सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया।